कि महंगाई के मारे अब तो रोटियों के भी लाले हैं। महंगाई के मारे अब तो रोटियों के भी लाले हैं और सब्ज बाग दिखलाकर हमारे छीने मुंह के निवाले हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। तो झुझला के वो यूं बोले, बेवकूफ खामोश रहो अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। और तुम्हें हमारे तोल मोल के बोल काय को भाएंगे, अरे तुम्हें हमारे तोल मोल के बोल काय को भाएंगे और समझ समझ के भी ना समझे तो कैसे समझाएंगे। अरे भ्रष्टाचार गुंडागर्दी बेईमानी बलात्कार जस की तस है, बुरे दिन तो गए नहीं अच्छे दिन कहां से आएंगे। ईमानदारी की बात और आपके दिल की बात और आपके दिमाग की बात और आज के माहौल की बात कि जिस तरफ नजर डालिएगा हाहाकार है, जिस तरफ नजर डालिएगा हाहाकार है और बेकारी बेरोजगारी भूख भ्रष्टाचार है और इस दौरे अराजकता में जीवित है आदमी, तो ये आदमी की जीत है शासन की हार है, ये आदमी की जीत है शासन की हार है, ये आदमी की जीत है शासन की हार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आदमी भूखा तो केवल दो रोटी का तलबगार है और इससे ज्यादा अगर मांगे तो गुनहगार है। और तू अगर भूखे को रोटी भी नहीं दे सकता, तीन लड़की भूखी मर गई दिल्ली में, नाले तो सरकार को, उनके पड़ोसियों को, पूंजीपतियों को और नेताओं को कि तीन लड़कियां भूखी मर गई। पूरे हिंदुस्तान में जाने कितने लोग भूखे मर रहे हैं यार, आप लोगों को पता नहीं है अभी। तो दो केवल भूखा तो केवल दो रोटी का तलबगार है और इससे ज्यादा अगर मांगे तो गुनहगार है। और तू अगर भूखे को रोटी भी नहीं दे सकता तो तुझको नालत है और नालत तेरी सरकार है, तुझको नालत है और नालत तेरी सरकार है। खैर अब मेरी पसंद की एक कविता सुन ले। स्वागत स्वागत है। एक कविता और एक गजल। क्या एक कविता एक गजल? क्यों भाई साहब आने दो। एक कविता सुन ले पहले, सुने आप छोटी छोटी सी कविता, आपको ज्यादा टाइम ना लूंगा, आप सुने और आनंद ना आवे, आनंद ना आवे तो पैसा वापस। पैसा दिया किसने? छोटी सी कविता हम देखें आप, सुने आप कि कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा, कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा तो हलवाई ने उसे भयंकर रूप से डांटा। कुत्ता बोला, मालिक मैं जानवर का बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ, पर आदमी से ज्यादा वफादार हूँ, सच्चा हूँ, फिर भी आप मुझे बारंबार डांट रहे हैं। अरे मैंने तो जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। साहब सुना दे गजल। इरशाद इरशाद। और गजल सुन लो यार, मुझे कवित्री समझ लियो कहा है वो, ऐसी क्या बात है, गजल सुनो। सुने आप क्या? घोटालों पर घोटालों के घोटाले, तुरंत जी आपको आशीर्वाद, आपको स्वागत स्वागत चाहूंगा आपको। घोटालों पर घोटालों के घोटाले बड़े बेशर्म हो गए और जाले, घोटालों पर घोटालों के घोटाले और बड़े बेशर्म हो गए और रिजाले। अरे गरीबों को नहीं दो जून रोटी, गरीबों को नहीं जो दो जून रोटी, उड़ा तुम रबड़ी रसगुल्ला साले। वाह वाह वाह। गरीबों को नहीं दो जून रोटी, उड़ा तुम रबड़ी रसगुल्ला साले। अरे ईमानदारी ईमानदारी देश से कर गई पलायन, ईमानदारी देश से कर पारदर्शिता, ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी देश से कर गई पलायन, चोटते कुत्ते जलेबियों के रखवाले। वाह 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 वाह, बहुत ईमानदारी देश से कर गई पलायन, हमने तो अच्छा समझ के बोर्ड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दादा। ईमानदारी देश से कर गई पलायन, चोटते कुत्ते जलेबियों के रखवाले। अरे बहुत हो गई तुम्हारी छींचा लेदर, बहुत हो गई। मैं नाकों का तारी बजाओ, खाम का हाथ घिसे फलक पड़ जाए। बहुत हो गई तुम्हारी छीछा लेदर, अरे विदेशों में जमा जो धन उसे वापस मंगा ले। वाह वाह वाह, विदेशों में जमा जो धन उसे वापस मंगा ले और न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी, न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी, तू हथकंडे चाहे जितने आजमा ले। वाह वाह वाह, न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी, तू हथकंडे चाहे जितने आजमा ले। और हर एक शख्स है उसकी अमानत, हर एक शख्स है उसकी अमानत, वो जब चाहे जिसे वापस बुला ले। वाह वाह वाह, अरे वो जब चाहे जिसे वापस बुला ले। और तेरी नीयत अगर ज्यादा खराब है धांसू, अंतिम देखे आप, तेरी नीयत अगर ज्यादा खराब है धांसू, अरे तो जितना आटे में नमक होता है उतना खा ले।
तेरी नीयत अगर ज्यादा खराब है ना तो पंथी अंत में कहकर बैठे जा रहा हूँ सुन लो कह सीता चाय आई एक पैसा दूंगा चाय देर में आई तो चाहिए चाहिए वाके ऊपर डाल दूंगा आई धन में अंत में हाँ हाँ दादा या ये पानी अब आयो यार पानी में डूब के मर जा का करें तो राम ने धनुष तोड़ा मैं कोई कविता बता रहा कविता रास्ता में पाई मंचा बैठा लो यार तुम उठाओ ना कविता रास्ता में पाई थे राम ने धनुष तोड़ा तो सीता जयमाला पहनाने आई राम ने धनुष तोड़ा सीता जयमाला पहनाने आई और यस दीप मेरे लिए पानी की बोतल लाई अंतिम ढाई पंक्ति राम ने धनु तोड़ा तो सीता जयमाला पहनाने आई कृष्ण ने बंसरी बजाई तो राधा दौड़ी दौड़ी आई मैंने सीटी बजाई तो कम्मकत अपने बाप बुला लाई